नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। आज राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में सिरमौर बनकर उभरा है। राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होता जा रहा है। अब जिला स्तर पर भी गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो गया है। प्रदेशवासियों को बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। आइए आज आपको दिखाते हैं स्वस्थ राजस्थान, विकसित राजस्थान की एक झलक। एक राज्य तभी उन्नति की ओर बढ़ता है जब वहां के निवासी स्वस्थ और खुशहाल हों। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच है प्रदेश के निवासियों पर बीमारी का बोझ ना पड़े। इसके लिए पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की सौगात दी। महंगे से महंगा इलाज भी प्रदेश के हर निवासी की पहुंच में हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने मई 2021 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की सोच के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की नींव रखी। इस योजना से प्रदेश के हर निवासी को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज का लाभ मिल रहा है। 6 महीने पहले इसको 11,000 लाइन से कनेक्ट लग गया था, तो उसके इलाज 2 से 2.5 लाख रुपए डॉक्टरों ने बताए थे। चूरू मेडिकल कॉलेज होने की वजह से हमें इसका ये फायदा मिला कि इसका इलाज इधर अच्छे डॉक्टर मिले, उनकी वजह से प्लास्टिक सर्जन मिले, उनका इसका अच्छा इलाज हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक जी गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना में जो फ्री सुविधा दी है उसमें फ्री इलाज हुआ इनका, और 1 रुपया भी हमारा नहीं लगा। योजना में कॉक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी और हार्ट ट्रांसप्लांट, डायलिसिस जैसे कई महंगे इलाज भी शामिल हैं। प्रदेश के हर निवासी को इलाज का अधिकार देते हुए राइट टू हेल्थ को लागू करने वाला राजस्थान आज देश का पहला राज्य है। हमारे समर्पित डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की बदौलत प्रदेश का बेहतर कोविड मैनेजमेंट भी पूरे देश में एक मिसाल बना। आम जन को स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता युक्त इलाज मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अब हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज और 1 नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। 4.5 साल में 11 मेडिकल कॉलेज और 26 नर्सिंग कॉलेज शुरू हो चुके हैं और आगामी वर्ष में 10 मेडिकल कॉलेज और शुरू हो जाएंगे। नए कॉलेजों के खुलने से MBBS और PG सीट्स लगभग दोगुनी हो गई हैं। इससे गाँव में CHC PHC तक डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही आदिवासी व दूर के इलाकों में भी युवाओं का डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर अलॉट हुआ, तो यहाँ पे एडमिशन होने के बाद मेरे को जो पढ़ाई का माहौल है, जो सीखने के लिए हमें जो सुविधाएं दी जाती है वो बहुत अच्छी दी जाती है। ऐसे ही हमारे ट्राइबल एरिया वाले और भी जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये जितनी सुविधाएं ये सरकार कर रही है, तो उनके लिए मैं राजस्थान सरकार और हमारे श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ ही अब हर संभाग में अत्याधुनिक मोबाइल कैंसर वैन की शुरुआत की जा रही है, जिससे कि दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर मरीजों की निशुल्क कैंसर जांच की जा सके। इसी तरह एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जैसी पहल भी राज्य में की गई है। राज्य के मेडिकल हॉस्पिटल्स में ICU, नियोनेटल ICU और पीडियाट्रिक ICU बेड्स की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। इससे प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने में बड़ी सफलता मिली है। मेडिकल सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जा रहे हैं। मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों के प्रभावी संचालन के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक और मेडिकल यूनिवर्सिटी की पहल करते हुए जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अल्ट्रा मॉडर्न IPD सेवाओं के लिए जयपुर के SMS हॉस्पिटल में 24 मंजिला IPD टावर का निर्माण किया जा रहा है। 1200 बेड वाले इस अत्याधुनिक IPD टावर में 200 ICU बेड्स, 20 ऑपरेशन थिएटर, डायग्नोस्टिक सेवाएं, हेलीपैड और एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं होंगी।
राजस्थान आज उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर और बीकानेर मेडिकल कॉलेज के बाद जल्द ही जोधपुर में भी ये सुविधा शुरू की जाएगी। पिछले 4.5 साल में हुए इस अभूतपूर्व काम से राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में आज देश का मॉडल स्टेट बन चुका है और विकसित राजस्थान के मिशन 2030 की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।